नमस्कार हमारे सभी भाई बंधु को। और देखिए आपके बीच सांपों को छोड़ते हुए फिर से हम लोग इधर आए हैं। एक कोबरा नाग है, देख सकते हैं ये, और एक ये करह सांप है, इसके बारे में मैं कुछ बताऊंगा अभी आपको। और हमारा आप लोग मोबाइल नंबर भी नोट कर लीजिए, 84-23-48-92-90। एक और नंबर है 95-65-20-64-33। 24 घंटा सेवा उपलब्ध हमारी। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई बंधु। देख सकते हैं इधर के नज़ारे को, इधर हम लोग छोड़ देंगे, झाड़ झंकाड़ में निकल जाएंगे, अपना रास्ता पकड़ लेंगे। अब मैं छोड़ के दिखलाता हूँ, ये देखिए ये कोबरा नाग है और बहुत ही क्रोध में है ये। कंठ वाला कोबरा नाग बहुत क्रोध में है। इसको कोई अगर छेड़ देगा तो ये वहीं बैठा के बैठा रह जाएगा। इसे आके देखिए, देख सकते हैं ध्यान से। बहुत ही गुस्से में भी है ये, कब ये मौका पाके चौका मार दे कोई भरोसा नहीं। और कभी भी नदानी में कोई ऐसी गलती ना करे इसको पकड़ने की, वरना जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। ये जिंदगी बहुत कीमती है, बार बार ऐसी जिंदगी नहीं मिलेगी। ये रात के समय किसी घर में घुस गया था और वहां डर का माहौल बना हुआ था। इसका जहर न्यूरोटॉक्सिन है और जब ये किसी को काटता है तो सोच लीजिए कि 10-15 मिनट के अंदर सारी कहानी दिखला देगा। गला सूखने लगेगा आपका, बेचैनी, घबराहट, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, ये उसका लक्षण है। और पलकें झुकने लगेगी आपकी, शरीर में इसमें सुस्ती पन आ जाएगी। बहुत ज़्यादा गुस्से में अभी भी है ये। इस तरीके का अगर सांप किसी को काटता है तो सीधे सरकारी हॉस्पिटल का सहारा ले, झाड़ फूँक के चक्कर में कभी ना पड़े, क्योंकि वो आपका सारा समय नष्ट कर देते हैं। ये जहाँ काटेगा दो दांत के निशान बन जाता है और वहाँ का आकार थोड़ा चेंज हो जाएगा, हल्की सी सूजन आ जाएगी। अगर आप चाहें तो वहाँ हल्का सा चीरा लगा करके बारीक सा दवा के ब्लड निकाल सकते हैं। निकालने के बाद सीधे डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उससे 99% चांस रहता है। और बहुत लोग कहते हैं कि चीरा नहीं लगाना चाहिए, मैं इस चीज़ को कभी विश्वास नहीं करता हूँ। मुझे पता है कि जहर मेरे अभी इतने रेंज में है, उसको चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ। क्योंकि अगर जिसको विश्वास ना हो, कहते हैं कि चीरा नहीं लगाना चाहिए, तो मैं अभी ऐसे करके इसको कटवा के दिखा सकता हूँ और खुद जहर निकाल के दिखा सकता हूँ कि लोगों को विश्वास हो जाए कि हाँ, हल्का सा बारी से चीरा लगा करके वहाँ से जितना काला ब्लड हो सके निकाल दें। 99% चांस पूरा बचने का रहता है। बस आदमी डरे ना, घबराए ना। आधे लोग मौत उसी तरह जाती है क्योंकि वो हदस जाते हैं, डर जाते हैं। कभी भी सांप काटे तो भूल जाइए कि मुझे सांप काटा है, घबराइए मत, उसका उपाय आसानी से कीजिए। बहुत गुस्से में ही है, अब इसको छोड़ा जाए।
देख सकते हैं इसको ध्यान से, प्योर कोबरा नाग है। और बहुत ही ज़्यादा गुस्से में भी है, जिसको पकड़ेगा एक बार तो सारा जहर भी डाल सकता है। अब इसको छोड़ा जाए, ये भी अपनी ज़िंदगी जी ले। अभी अपना रास्ता पकड़ ले, दिखाता हूँ साइलेंट किलर सांप, जो बिस्तर पर चढ़ के काटता है इंसान की गर्माहट पाने के लिए, इंसान के बगल में सो जाता है। अगर जब आदमी करवट लेता है तो दबने के कारण ये काट देता है, जिसके कारण इंसान की मृत्यु हो जाती है। और ये पता भी नहीं लगता है, जैसे लगता है चींटी मच्छर काटा हो, उस तरीके से महसूस होता है। बस बारीक सा छोटा सा दांत मारेगा, और हॉस्पिटल जाते जाते कभी ऐसा भी होता है इसका कटा हुआ निशान ही मिट जाता है, इसीलिए वहाँ पर हल्का सा बारीक सा चीरा लगा के दबा दबा के पूरी तरीके से ब्लड निकाल दी, जब तक लाल ब्लड ना आए। इसका भी जहर न्यूरोटॉक्सिन है, और कोबरा से 4 गुना ज़्यादा जहर होता है। देख सकते हैं इसको, इस तरीके का कलर है इसका। ये केवल रात में ही निकलता है, ये केवल रात में ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता। भूलचूक से कहीं अगर फंसा हुआ तो मिल जाएगा। और ये अगर झटके से काट के एक बार छोड़ दिया है तो एक बार बचने का चांस भी रहता है। जब तक ये कस करके चपक करके नहीं काटेगा तब तक जहर नहीं छोड़ता है। ये अपना जहर बचाने के चक्कर में रहते हैं, क्योंकि इसका जहर बहुत कम समय पर बनता है। और ये बहुत ही शर्मीला सांप भी होता है और नखरेबाजी होता है। ये मरने की एक्टिंग कर लिया है, कभी आप ये मत सोचिए कि इसको पूंछ उठा करके आप फेंक दे बाहर, ये कभी भी वार कर सकता है। और इसको भी छोड़ा जाए, जब ये किसी को काटता है तो इसका लक्षण क्या है कि पेट में दर्द होता है अचानक बहुत तेज़ी से, घबराहट, बेचैनी, गला सूखना, उल्टी फुल्टी भी लगता है। अब इसको भी छोड़ा जाए, ये भी अपनी ज़िंदगी जी ले भाइयों। इसके बारीक बारीक सुई से भी महीन दांत होते हैं। ये अपना रास्ता पकड़ लेगा।